दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। इसके साथ ही लोगों को उमस वाली गर्मी से भी राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज से शनिवार तक के लिए यहां बारिश का येलो और रविवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में बारिश से तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन में मानसून की भी एंट्री हो सकती है। स्काईमेट वेदर सर्विसेज के अनुसार मानसून की 29 या 30 जून को दिल्ली पहुंचने की संभावना है। दिल्ली में मानसून का आगमन आमतौर पर 27 से 29 जून के बीच होता है। आपको बता दें कि मई और जून महीने में ज्यादातर दिनों में दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस बार प्रचंड गर्मी का कहर देखने को मिला था। ऊपर से लू ने लोगों की हालत और भी खराब कर दी थी। कई दिनों तक पारा 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहा। वहीं इस बार दिल्ली में ज्यादा दिनों तक लू की मार झेलनी पड़ी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी प्रायद्वीपीय तट में अगले 3-4 दिनों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र तट, गोवा और कर्नाटक में इस दौरान भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्य में 27 से 30 जून के बीच असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों पर 27 से 30 जून के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी बारिश होने की संभावना। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 27 और 28 जून को अलग अलग जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बात बिहार की करें तो यहां अभी भी मानसून उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाया जितनी उम्मीद थी। जून के महीने में एक तो मानसून हफ्ते भर की देरी से पहुंचा। उत्तर बिहार में बारिश तो हो रही है लेकिन दक्षिण बिहार के लोग अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बारिश न होने के कारण किसानों की भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।